जी वेलकम है आपका फिर से भाई साहब हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आप सबके लिए यहाँ पर जो है न्यू वैकेंसीज आउट हो चुकी है एम्स जम्मू में। क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो है वहाँ पर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो वाइस ऑफ अमर ऑफिशियल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हो एम्स जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो अप्लाई नाउ। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाईमेंट, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पर आप देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट जो है यहाँ पर कितनी पोस्ट से एक पोस्ट है, और यहाँ पर जो है 35,400 यहाँ पर लिखा गया है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर सेकंड, ये है। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, उसके लिए वन पोस्ट है। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर जो है ऑफिसर अंडर द सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स, यहाँ पर इसके लिए एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो है सैनिटेशन ऑफिसर भी यहाँ पर है, इसके लिए भी आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी आ गए। उसके बाद लाइब्रेरी, उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हो सीनियर फार्मासिस्ट, उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट, उसके बाद जूनियर मेडिकल ऑफिसर, इनमें दो पोस्ट हैं, पर्सनल असिस्टेंट में भी दो पोस्ट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपर रिवीजन क्लर्क के लिए दो पोस्ट हैं, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो टोटल पोस्ट कितनी है, दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 पोस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी, यहाँ पर जो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर है उसके लिए यहाँ पर जो बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, 10+2 साइंस यहाँ पर आपका होना चाहिए, विद एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर जो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी जो है डिग्री आप रखना यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या है इनमें। तो जूनियर मेडिकल असिस्टेंट, जो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पर 10+2 साइंस और 6 मंथ का मेडिकल रिकॉर्ड डिप्लोमा अगर होगा, आर बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स अगर आपका होगा, इसके लिए दो पोस्ट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग अपडेट, यहाँ पर आप 25 लास्ट डेट देख रहे हो, बट अभी भी अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे कि पहले ही आपने देखा था स्टार्टिंग में जब मैंने ये वेबसाइट आपको दिखाई थी, वहाँ पर डाउनलोड वहाँ पर जो है नीचे अप्लाई भी था, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, अभी भी डेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 30 तारीख जो है आपकी जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगी, ये भी इसमें लिखा गया है। एप्लीकेशन फीस आपकी 500 है, नॉन रिफंडेबल। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल कंडीशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, ये भी आप पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें बाकी भी डिटेल्स दी गई है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो लिखा था पहले अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर बाकी भी पोस्ट है बट ये क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अप्लाई नाउ अभी भी आ रहा है, तो अप्लाई नाउ आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर ये अप्लाई यहाँ से करना है, तो यहाँ पर अभी भी इसमें अप्लाई नाउ ऑप्शन आता है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।